नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकुमार तिवारी, आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल जी सैनी यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर उनके स्वागत में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता खड़े हैं। यहाँ पर उनका स्वागत होगा और जुलूस के साथ वो मंदिर तक जाएंगे, जहाँ पर पुजारी परिवार के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। आइए सालासर से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। सीकर सर्किल पर कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुंचने वाले हैं। देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में ये खुली जीप मंगाई गई है, जिसको फूलों से सजाए गए हैं और सभी उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीकर सांसद पहुँच चुके हैं सुवेदानंद जी महाराज और विधायक खेमाराम मेघवाल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मदन लाल सैनी का काफिला पहुँच रहा है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुँच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और ये आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कार्यकर्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में काफ़ी भीड़ उमड़ी है, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं स्वागत में। प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। सीकर सांसद स्वामी सुवेदानंद जी महाराज आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सुजानगढ़ विधायक खेमाराम जी मेघवाल और तमाम कार्यकर्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं और उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ता आप देख रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं मालाएं पहनाकर। सुजानगढ़ विधायक हमारा मेघवाल आप देख रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। सिद्धपीठ सालासर धाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुँचे हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। एबीवीपी के द्वारा उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी यहां पर पहुंचे हैं और सुजानगढ़ लाडू आसपास के क्षेत्रों के तमाम यहां पर नेतागण पदाधिकारी खासतौर से सीकर सांसद स्वामी सुवेदानंद जी और सुजानगढ़ विधायक खेमाराम मेघवाल भी यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे और जैसे ही यहाँ पर सिद्धपीठ सालासर धाम में पहुंचे उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद में लोगों को इंतजार था कि कब प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति हो और आखिरकार जब मदन लाल सैनी की नियुक्ति हुई है, जमीन से जुड़े नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाए, उसको लेकर राजस्थान में काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं इधर सीकर सांसद जी का सभी स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी एक सजीवी गाड़ी में सवार हो गए हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सालासर पहुंचे हैं और सिद्धपीठ सालासर धाम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं राजस्थान के देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा भी मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए और पुजारी परिवार के द्वारा भी उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। हनुमान जी महाराज का बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुंच रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और भाजपा जिलाध्यक्ष वासुदेव जी चावला, तमाम पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पहुँचने वाले हैं, वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। झुंझुनू भाजपा जिलाध्यक्ष महेश बसावतिया जी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पहुंच रहे हैं, खुली जीप में सवार हैं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और साथ में सीकर सांसद सुमेधानंद जी
और सुजानगढ़ विधायक हेमाराम मेघवाल सहित अनेक लोग उपस्थित हैं और जीप यहां पर पहुंच चुकी आप देख रहे हैं। भारी उत्साह आप देख रहे हैं सभी में। भारी उत्साह आप देख रहे हैं सभी में नजर आ रहा है। राजस्थान के देवस्थान भाग मंत्री राजकुमार जीरण आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मंत्री जी सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं और राजकुमार जी रिणवा के द्वारा सबसे पहले मंदिर पहुंचने पर स्वागत किया गया है। आप देख रहे हैं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जोरदार उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर। सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी जिनका आप देख रहे हैं जोरदार स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं भारी उत्साह पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। लंबे समय तक इंतजार के बाद में ये प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला ने स्वागत किया है यहाँ पर। मदनलाल सैनी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं जहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। मैं तो अपना काम कर बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। राजकुमार रिणवा, राजकुमार रिणवा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं। मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उमड़ी है। और अब आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए मदनलाल सैनी मंदिर आ रहे हैं। जोरदार उत्साह आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में। मदनलाल सैनी का सिद्धपीठ सालासर धाम में आगमन हुआ है। सबसे पहले मोहनदास जी धुणे से होते हुए मंदिर में जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी यहां पर पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। जयपुर से रवाना कर सबसे पहले वो खाटू श्याम जी पहुंचे, जीण माता पहुंचे और अब यहां पर सिद्धपीठ सालासर धाम में वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कहा जा सकता है क्योंकि लगभग 2-2.5 महीने तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। सबसे पहले गजेंद्र सिंह जोधपुर सांसद का नाम आ रहा था जो कि केंद्रीय मंत्री है, लेकिन उस पर लगातार रोक रही और घोषणा होने के बाद में मदनलाल सैनी का नाम आया उसके बाद में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता एक जमीन से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पर हुई है इसको लेकर राजस्थान में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह सालासर धाम में देखने को मिला जब वो पहुंचे, उनको खुली जीप में बिठाया गया और जुलूस के साथ में वो मंदिर पहुंचे और उसमें हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। अब यहां पर पहुंचते पर शरद पुजारी परिवार के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा जिनके द्वारा आप देख रहे हैं सीकर सांसद सुमेधानंद जी का तिलकार्चन और रक्षा विधान किया जा रहा है। विदाई जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। शेखर विधायक रतन जलधारी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन जी सैनी यहाँ पर सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे, उनके स्वागत में बहुत बड़े पदाधिकारी नेताएं मौजूद रहे जिनमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं इस नियुक्ति को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में मदनलाल जी सैनी की? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके राजस्थान को एक ऐसा नेता दिया है जिसका अनुभव बहुत लंबा है। माननीय मदनलाल जी सैनी विधायक रहे, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, वे अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहे, इसके साथ साथ वो मंत्री रहे प्रदेश के, और
अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयोजक रहे हैं, तो 50 साल लंबा अनुभव उनका है और शेखावाटी के प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यक्ति से जानते हैं। प्रांत के अंदर भी 50 साल जिनका अनुभव रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर एक एक कार्यकर्ता से बात की है, चर्चा की है, तो पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो 18 का चुनाव है और उसके बाद 19 में जो लोकसभा का चुनाव है, दोनों चुनावों में मदनलाल जी हमारे लिए बहुत हितकारी सिद्ध होंगे और उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी जो है अपना फिर दोबारा परचम लहराएगी, ऐसा मेरा मानस है। धन्यवाद सर। मदनलाल सैनी यहाँ पहुँच गए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करें भाजपा के सुजानगढ़ अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोधनंदन जी बुजारी आप देख रहे हैं, अब उनका तिलकार्चन और रक्षा विधान कर रहे हैं मंदिर की तरफ से। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी सिद्धपीठ सालासर धाम पहुंचे हैं और मंदिर पहुंचने पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन पूजन किए हैं और अब उनका स्वागत हो रहा है पुजारी परिवार के द्वारा। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन जी पुजारी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्यकर्ता आप देख रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, सैनी जी की तरफ पति जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी आशीर्वाद दिया जा रहा है पुजारी परिवार के द्वारा। अपने परिवार के साथ मदनलाल सैनी सालासर पहुंचे हैं। पूरे परिवार का स्वागत पुजारी परिवार कर रहा है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम जी सारस्वत सुरु से आप देख रहे हैं मौजूद हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं जिनके हाल में नियुक्ति हुई और उन्होंने बालाजी के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा का प्रसाद ले रहे हैं अपने परिवार के साथ। सालासर धाम में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर वो प्रसाद ले रहे हैं और बहुत ही भावभीना स्वागत पुजारी परिवार के द्वारा उनका किया गया है और सांसद स्वामी शिवदानंद जी भी आप देख रहे हैं प्रसाद दे रहे हैं और विधायक महोदय भी यहाँ प्रसाद दे रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मदनलाल सैनी पहुँचे हैं जो कि हाल ही में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। सभी अवगत कर रहे हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में, सालासर धाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी पहुंचे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल जी सैनी यहां पर पहुंचे, उन्होंने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, पुजारी परिवार के दोनों को आशीर्वाद दिया गया और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी खास मौजूद रहे, खासतौर से राजस्थान के देवस्थान वाग मंत्री राजकुमार जी रिणवा, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, सीकर के विधायक रतन जी जलदारी और इस पूरे क्षेत्र के जो पार्टी पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर भावभीना स्वागत मदनलाल जी सैनी का किया। निश्चित रूप से पार्टी में एक अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है आपकी नियुक्ति के बाद में, क्योंकि खिंचातानी चल रही थी, पहले नाम आ रहा था केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी का, लेकिन उसके बाद में काफ़ी टाइम तक इसको नाम को रोके रखा गया और जैसे ही मदनलाल जी सैनी का नाम आया कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। आइए सालासर पहुंचते पर बातचीत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि किस तरह का उत्साह पार्टी में देख रहे हैं आपकी नियुक्ति के बाद? मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके बीच में से काम करने वाला कार्यकर्ता इस जगह पहुँचा है, इसलिए उनमें उत्साह होना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरी जगह और भी कोई अध्यक्ष होता तो उसके लिए भी इतना ही उत्साह होता, क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे, हम किसी व्यक्ति के कारण काम नहीं कर रहे, हम एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं। उस विचार में अध्यक्ष कौन है, महामंत्री पदाधिकारी कौन है,
ये हमारा विषय नहीं रहता है। हमारा विषय रहता है कि मेरे विचार को मानने वाला जो मेरे सामने कार्य करता है वो ही मेरा अध्यक्ष है, वो ही मेरा सब कुछ है। तो आज के इस मौके पर जो कार्यकर्ता आए हैं वो ये बात ठीक है कि अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं में इतना ही उत्साह होता यदि मेरी जगह दूसरा भी कोई अध्यक्ष होता। ये कार्यकर्ता विचार से बंधे कार्यकर्ता हैं। सर क्या लगता है कौन सी चुनौतियां आपके सामने सबसे पहले नियुक्ति की बात में? चुनौतियां तो कोई ऐसी मुझे लग नहीं रही है। सामने 18 का चुनाव है, 19 का चुनाव है। पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की ताकत है उस ताकत के आधार पर मैं सोचता हूँ कि आने वाला 18 और 19 का चुनाव हम पिछले बार की तुलना में अधिक मतों से विधानसभा में जीतेंगे। हमको 180 प्लस का टारगेट दिया है वो हम पूरा करेंगे, और लोकसभा की 19 में होने वाले चुनाव में हम 25 के 25 सीट पार्टी को विजय दिलाएंगे। सनी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय, उसे लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों में विरोध है पार्टी का, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? ऐसा है, विरोध सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उसके बारे में कुछ लोग जरूर विरोध करते हैं। विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, लेकिन विरोध किन मुद्दों पर है? क्या हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? क्या हमारे ऊपर कोई दूसरा ऐसा गंभीर आरोप लगा जिससे हमने देश को बहुत बड़ा नुकसान किया हो, राजस्थान को नुकसान किया हो? ऐसा कोई भी मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन एक ऐसी जर्जर पार्टी है जो हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी होने की उसकी ताकत ही नहीं है। मैंने मेरे संबोधन में कहा है कि पार्टी में बहुत बड़ा एक तबका है जो आयु के कारण, अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आज वर्किंग में नहीं है। आवश्यकता है उन लोगों को एक्टिव करने की, पार्टी के पक्ष में उनको लाने की। वो काम मैंने शुरू कर दिया है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान में तीसरे मोर्चे की खुसर खुसर चल रही है, खासतौर से आप ही के पार्टी के बड़े नेता घनश्याम जी तिवारी भी इस समय पार्टी के विरोध में चल रहे हैं, ये एक चुनौती नहीं लग रही आपको? नहीं, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है, और प्रजातंत्र में किसी पार्टी को छोड़ने का भी अधिकार है, नई बनाने का भी अधिकार है। तो उसके निमित्त श्री घनश्याम जी किसी पार्टी में जाते हैं, नई बनाते हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, निर्णय उन्होंने करना है कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के दम पे लड़ेगी, अब एक बार पुनः मोदी की हवा के ऊपर डिपेंड करेगी? चुनाव हम विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, वो विकास केंद्र सरकार का हो, वो राज्य सरकार का विकास हो, उसके नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और श्रीमान मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उनका भी चुनाव में हम आग्रह करेंगे कि वो हमको समय दें। सर एक सामयिक सवाल करना चाहूँगा आप में, वर्तमान में अभी भारतीय जनता अपने देश के प्रधानमंत्री झुंझुनू आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उन्होंने यहाँ से शुभारंभ किया था, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से देश और प्रदेश में छोटी छोटी बच्चों के साथ महिलाओं के जिस तरह के अत्याचार की बलात्कार की घटनाएं हो रही है, आपको नहीं लग रहा कि राजस्थान में भी कोई ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए? नहीं, प्रयास सभी जगह होना चाहिए। ये संस्कार विहीनता का लक्षण है कि हम जो ये सोचते थे कि दूसरी महिला हमारे माँ के समान है, कम आयु के महिला बहन के समान है, ये जो हमारे परिवारों में संस्कार था वो संस्कार क्षीण हो गया। इस कारण से ये घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं रुकनी चाहिए। आपका चैनल वालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसको रोकने में योगदान हो सकता है,
आप भी अपना योगदान निभाइए। जनता को भी हम कहना चाहेंगे कि अपना बेटा घर से निकलता है तो उसके पर संस्कार देना चाहिए कि दूसरी लड़की उसकी बहन के समान है, उस पर उसके कुदृष्टि नहीं पड़े। सब अपने अपने परिवारों में अपने अपने बच्चों को चेक करें। सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन सरकार एक एक जगह इन चीज़ों को चेक करने में बड़ी कठिनाई होती है और सारा समाज इसमें जब लगता है तो ऐसी दुष्प्रवृत्तियां रोकी जा सकती है। सालासर धाम में पहुंचकर आपने बालाजी से प्रदेश के लिए क्या कामना की? बालाजी को मैंने कहा 180 प्लस का टारगेट मुख्यमंत्री ने दिया है और 25 लोकसभा में दिया है। मेरे कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति देना कि हम उसको आराम से 180 प्लस और 25 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकें। ये तो पार्टी के लिए, प्रदेश के जनता के लिए क्या मांगा आपने? हमारी सरकार बनने के बाद जनहितों में जो हमने काम किए और काम करना चाहते हैं वैसे काम हम लगातार करते रहें ताकि जनता को सुख सुविधाओं प्राप्त होती रहे। धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थी हमारी विशेष बातचीत राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदनलाल जी सैनी। सालासर पहुंचे, सिद्धपीठ धाम में आकर हनुमान जी के दर्शन के आशीर्वाद दिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उनका यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया। SN सुधागले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी बुद्धि प्रकाश जी सोनी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।